Hello future officers, not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha and I am here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affairs series called To The Point. Zid se jeet tak. Hi everyone. बच्चा जब भी हमने यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी करंट अफेयर कवर करना होता है तो हमें ये देखना होता है कि इसकी रेलिवेंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी है समटाइम्स क्या होता है कि करंट अफेयर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना रेलिवेंट नहीं होता है रेलिवेंट ना होने के बहुत सारे कारण है कि ऑलरेडी स्टैटिक में कवर होता है या फिर वो इतनी आपको लगता है कि कवर ज्यादा हो रहा है लेकिन वो नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज नहीं होती या फिर समटाइम जैसे भी देखने को मिलेगा कि नेशनल इंपॉर्टेंस की भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन कवर बहुत जगह हो गई राइट इस हर हर न्यूज पेपर में कवर हो रही है हर जगह कवर हो रही है वो आम नॉलेज है ना जनरल नॉलेज की बात हो गई है वो तो वो वाली चीजें भी पेपर में नहीं आती है तो हमें बहुत केयरफुली देखना होता है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी क्या क्वेश्चन डाल सकता है बिकॉज अल्टीमेटली करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें रोज की खबरें पता हो हमारा मकसद है पेपर निकालना हमारा मकसद है एग्जाम निकालना तो हमने जितने भी करंट अफेयर्स तो हैं उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है राइट आज की जो हमारी स्कीम है वो एक इंपॉर्टेंट स्कीम है बच्चे वैभव स्कीम विच इज वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक स्कीम है ना वैश्विक माने इंटरनेशनल भारतीय वैज्ञानिक इंडियन वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट इसकी एक स्कीम है राइट बेसिकली ये आपके ना

ठीक है इंडियन ओरिजिन साइंटी इंडियन ना बेसिकली तीन चीजें कवर करता है इंडियन ओरिजन है, है ना आप भी इंडियन ओरिजन हो लेकिन आपके पास में इंडिया का पासपोर्ट है एनआरआईस के पास में भी इंडिया का पासपोर्ट है ओसीआई पी आईओ के पास में इंडिया का पासपोर्ट नहीं है हाएवर सारे हम लोग जो है वो इंडियन ओरिजिन कैटेगरी के अंदर आते हैं

ट्रेंड right? right? <coughs> तो था कि वो लोग नोडल मिनिस्ट्री को डायरेक्टली पूछ लेते थे, थे आज से दो साल पहले तक भी इसके सवाल आए हैं पिछले दो साल में पूछने वाले सवाल नहीं देखने को मिले हैं राइट बट ये इंपॉर्टेंट है राइट right? और खासकर इसका Department of Science Technology because इसकी एक sister scheme भी है, है, है है, है बिल्कुल इसके जैसी उसका उसका अलग है, नोडल, ministry सेम है, लेकिन उसका अलग लेकिन बच्चे। वो हम देखते हैं अभी, आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है शुड भी एनआरआई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज जो मैंने आपको बताया था ओवरसीज सिटीजन ये तीन लोग जो है इसके लिए एप्लीकेबल uh, है और इसके अलावा उनके पास में एक हायर डिग्री होनी चाहिए पी एच डी एम डी या एमएस डिग्री फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी इसके अलावा उनको रिसर्च वर्क के अंदर ऑलरेडी अलाइंड होना चाहिए तभी हम उनको यहाँ बुला रहे हैं बेसिकली उनको यहां बुला के हम कोलेब्रेशन करेंगे प्लस उन्हें कुछ हम मंथली जो वो उनके पैसे होते हैं वो भी उनको मिलेंगे तो दैट्स वाई वी नीड कि उनके क्रीडेंशियल जो हैं वो अच्छे हों अगर हमारे पास आज वीडियो में टाइम होगा मेरा लास्ट में आपको एनआरआईसीआई में जो की डिफरेंसेस डिफरेंसिस क्या करेगा वुस्टिट्यूशन एंड मे स्पेंड अपर इन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ थ्री इसा ये देखिए आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीज है ये आपकी इंपॉर्टेंट है कि टू मंथर फॉर मैक्सिमम ऑफ थ्री ईयर्स ठीक है

ठीक है जी और वैभव स्कीम मैंने आपको बता दिया कि पी आईओ एनआरआई और ओसीआई को वो जो है वहां एप्लीकेबल है है हाउएवर इसके अंदर भी हम जो है थोड़ा सा प्रेफर करते हैं कि हमारे जो वो इंडियन ओरिजिन के हों तो बेटर रहेगा राइट इस स्कीम के अंदर भी पर ये तो पक्की स्कीम उसी के लिए है ना और वज्र स्कीम के अंदर दोनों जो है पॉसिबल हैं और वज्र स्कीम जो है वज्र फैकल्टी स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय ये सर्ब साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ठीक है जी

सी एनआर कौन होता है एंड इंडियन सिटीजन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर अ कंबाइंड टोटल ऑफ एटलीस्ट वन एटी थ्री डेज इन फाइनेंशियल ईयर ठीक है ये इनकी डेफिनेशन है तो सारी डेफिनेशन आप इसके अंदर से जो है देख सकते हो एंड वीडियो में अभी के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दिस सेवन मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number one weekly classes number two weekly pdfs of current affairs number three weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough Subscribe for regular updates. This tailor made Current Affairs Master Course is enough for your preparation of Current Affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.